जैन साथियों, मेरा नाम विजेंद्र चौहान, जैन बिंदुगुल पिंदौर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के फिजिकल के बारे में। बिहार पुलिस के फिजिकल के अंदर क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं और बिहार फिजिकल के अंदर कितने मार्क्स का फिजिकल होता है और वो किस प्रकार से मार्क्स से जुड़ते हैं। आप वीडियो में बने रहे, आपको वीडियो पूरा देखना, आपको पूरा समझ में आएगा किस प्रकार से आपका फिजिकल होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कितने मार्क्स का फिजिकल होता है। तो दोस्तों, जो बिहार पुलिस का है फिजिकल, वो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 नंबर का। वो किस प्रकार से होगा? सबसे पहले होगी आपकी रनिंग, रनिंग जो रनिंग होती है वो 50 नंबर की होती है, ठीक है। रनिंग के बाद होता है दूसरा इवेंट, ये पहला इवेंट, दूसरा इवेंट गोला फेंक, इसमें मार्क्स 25, ठीक है। इसके बाद होगी ऊंची कूद, ऊंची कूद, ये भी होती है 25 मार्क्स। आपको पूरे मार्क्स से लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम बात करेंगे बॉयज की, बॉयज मेल कैंडिडेट, ठीक है। जो रनिंग होती है आपकी होती है 1600 मीटर की, आपकी रनिंग होगी 1600 मीटर की, मतलब ग्राउंड के 4 राउंड, 400 मीटर का एक राउंड होता है, तो आपको 4 राउंड लगाने देते हैं। दोस्तों, यदि आप 5 मिनट में, 5 मिनट के पहले पहले 1600 मीटर दौड़ जाते हो तो आपको पूरे 50 नंबर मिलेंगे, 50 नंबर मिलेंगे आपको पूरे। और 5 मिनट से 5:20 तक के बीच में यदि आप दौड़ते हो तो आपको मिलेंगे 40 नंबर, ठीक है। और 5:20 से 5:40 के बीच में यदि आप दौड़ते हो तो आपको मिलेंगे 30 मार्क्स, ठीक है। और 5:40 से 6 मिनट के बीच में यदि आप दौड़ते हो तो आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। और यदि आप 6 मिनट के बाद यदि आते हो तो आपको रनिंग में फेल माना जाएगा, फेल। इस प्रकार से आपको रनिंग होती है। और आपको यदि 50 नंबर लाना है तो आपको रनिंग में मेहनत करना पड़ेगी, 5 मिनट से पहले आपको आना है जब आपको पूरे 50 नंबर मिलेंगे। सेकंड इवेंट गोला फेंक, गोला फेंक। दोस्तों, यदि आप 16 फीट गोला फेंकते हो, गोला रहेगा 16 पूर्ण का, ठीक है, ये आपका गोला रहेगा। यदि आप 16 फीट फेंकते हो तो आपको 16 से 17 फीट के बीच में यदि आप फेंकते हो, 16 फीट से ऊपर ही फेंकना, आपको 16 फीट से कम फेंको फेल हो जाएगा। 16 से 17 फीट के बीच में यदि आप फेंकते हो तो आपको मिलेंगे 9 नंबर, आपको 9 नंबर मिलेंगे। 17 से 18 के बीच में मिलेंगे आपको 13 नंबर, 18 से 19 के बीच में मिलेंगे आपको 17 नंबर, और 19 से 20 के बीच में मिलेंगे आपको 21 नंबर। और यदि आप 20 से ज़्यादा फेंकते हो, 20 से ज़्यादा, तो आपको मिलेंगे टोटल 25 नंबर। ये गोला फेंक हो गया। थर्ड इवेंट ऊंची कूद, ऊंची कूद, ऊंची कूद, आपको देखना ऊंची कूद किस प्रकार होती है। दोस्तों, यदि आप 4 फीट ऊंची कूद करते हो तो आपको मिलेंगे 13 मार्क्स। 4 फीट 4 इंच आप यदि कूदते हो तो आपको मिलेंगे 17 नंबर। 4 फीट 8 इंच कूदते हो तो आपको मिलेंगे 21 नंबर। और आप 5 फीट से ऊपर कूदते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे 25। इस प्रकार से बॉयज का फिजिकल होता है। आप देख सकते हो, रनिंग के 50 नंबर लाना है तो आपको 5 मिनट से पहले दौड़ना पड़ेगा। आपको इसमें पूरे नंबर चाहिए तो आपको गोला फेंकना है 25 फीट से ज़्यादा फेंकना पड़ेगा, 20 फीट से ज़्यादा फेंकना पड़ेगा, तो जब आपको 25 नंबर मिलेंगे। और यदि ऊंची कूद में आप 5 फीट से ऊपर कूदते हो तो आपको पूरे 25 नंबर मिलेंगे। दोस्तों, ये करें हमने बॉयज की बात, मेल कैंडिडेट की। अब बात करेंगे हम फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट के अंदर क्या होता है?
पीपल्स फीमेल कैंडिडेट। दोस्तों जो दौड़ होती है वो होती है 1 किलोमीटर की, मतलब 1000 मीटर, ठीक है। अब इसमें यदि आप 4 मिनट से पहले ये दौड़ कंप्लीट करते हो तो आपको मिलेंगे पूरे 50 नंबर। 4 मिनट से 4:20 के बीच में यदि आप दौड़ते हो तो आपको मिलेंगे 40 नंबर, ठीक है। और 4:20 से 4:40 के बीच में यदि आप दौड़ते हो तो आपको मिलेंगे 30 नंबर। और 4:40 से 5 मिनट के बीच में आप यदि दौड़ते हो तो आपको मिलेंगे 20 नंबर। यदि इसके बाद आप आते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 5 मिनट के बाद यदि आप आते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, रनिंग फेल, ठीक है। ये गर्ल्स की रनिंग होती है 1000 मीटर 4 मिनट में के पहले यदि आप आ जाते हो 3:59 तो आपको मिलेंगे पूरे 50 नंबर। आप 4 मिनट के पहले कितने टाइम में आ जाओ, 4:20 के बीच में आते हो तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। 4:20 से 4:40 के बीच में आते हो तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। और 4:40 से 5 मिनट के बीच में आते हो तो आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। और 5 मिनट के बाद यदि आप आते हो तो आपको रनिंग फेल माना जाएगा। अब बात करने वाले हैं गोला फेंक। गोला फेंक तो गर्ल्स का गोला होता है 12 पाउंड का होता है, ठीक है, 12 पाउंड का होता है। अब हम बात करने वाला गोला फिट से 12 फिट से 13 फिट के बीच में आप फेंकते हो तो आपको मिलेंगे 9 नंबर, ठीक है। और 13 से 14 के बीच में आप फेंकते हो तो आपको मिलेंगे 13 नंबर। 14 से 15 के बीच में यदि आप फेंकते हो तो आपको मिलेंगे 17 नंबर। तो 15 से 16 फेंकते हो तो आपको मिलेंगे 21 नंबर। और 16 से यदि अधिक फेंकते हो तो आपको मिलेंगे पूरे 25 नंबर। 13 और 14 के बीच में फेंकते हो तो आपको 13 नंबर मिलेंगे। 14 से 15 के बीच में यदि आप फेंकते हो तो आपको 17 नंबर मिलेंगे। 15 से 16 के बीच में फेंकते हो तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। और 16 से अधिक यदि आप गोला फेंकते हो तो आपको पूरे 25 नंबर मिलेंगे। अब बात करने वाले हम ऊंची कूद की। ऊंची कूद दोस्तों जो गर्ल्स की ऊंची कूद होती है वो किस प्रकार से होती है। यदि आप 3 फीट कूदते हो, 3 फीट तो आपको मिलेंगे 13 नंबर। 3 फीट 4 इंच कूदते हो तो आपको मिलेंगे 17 नंबर, ठीक है। 3 फीट 8 इंच कूदते हो तो आपको मिलेंगे 21 नंबर। और यदि आप 4 फीट से अधिक कूदते हो तो आपको मिलेंगे 25 नंबर। दोस्तों इस प्रकार से गर्ल्स का फिजिकल होता है। आपको यदि पूरे 50 नंबर चाहिए रनिंग में तो आपको 4 मिनट को पहले करना पड़ेगा। गोला फेंक में आपको 16 फीट से अधिक फेंकना पड़ेगा 16 पाउंड का गोला तो आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। और आपको 4 फीट से ऊपर कूदना पड़ेगा जब आपको 25 नंबर मिलेंगे। दोस्तों आपको वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।